आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम दीपक धरायुर, इंग्लिश ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो अब तक जो हमने सीखा था अपने स्पोकन इंग्लिश 60 इंपॉर्टेंट लेसन की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें कि कैसे हम इजेमर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो आज की क्लास है इसमें थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है, जिसमें जो अब तक हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं सारे के सारे रिवाइज होंगे। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया, आई एम दीपक धर्रा, आई एम अ स्टूडेंट, माई फादर नेम इज़ विष्णु कुमार, ही इज़ अ शॉपकीपर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, आई हैव अ ब्रदर बट मेरी सिस्टर नहीं है, आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आर हेल्पफुल। तो सभी स्ट्रक्चर इसमें रिपीट हुए हैं, रिवाइज हुए हैं कि भाई हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, नाम बताते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको भी अपना इंट्रोडक्शन लिखना है और सुनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आगे चलते हैं। तो अक्सर जब हम बताते हैं ना कि भाई मेरे पास कोई चीज़ है तो हम बोलते हैं आई हैव। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा एक भाई है तो मैंने बोला आई हैव अ ब्रदर, ये हमने अब तक सीखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, यानी किसी और के बारे में जब हम बताएंगे, तो जब किसी और के बारे में हम बताएंगे कि भाई उसके पास ये है, यानी थर्ड पर्सन, तीसरा कोई भी एक जना यानी एक इंसान, यानी हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, यानी थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, कोई ही यानी कोई लड़का लड़की है तो शी, राइट, या फिर हम उसका नाम ले सकते हैं जैसे मोहित, रोहित, गप्पू, पप्पू, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग उसके लिए हम लगाते हैं इट, राइट। जैसे मैंने कार की बात की, बाइक की बात की, इट लगाएंगे। जब भी हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के पास कोई चीज़ है तो हम बोलेंगे हैज़। क्या बोलेंगे, हैज़। मैंने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मैंने कहा उसके पास एक कार है तो बोलेंगे ही हैज़ अ कार। मैंने कहा मेरे अंदर मैनर्स हैं, यानी मेरे पास मैनर्स हैं, आई हैव मैनर्स। उसके पास मैनर्स हैं, ही हैज़ मैनर्स। मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर। उसके पास माँ है, ही हैज़ अ मदर। अगर कोई फीमेल होगी, लड़की होगी, तो बोलेंगे शी हैज़ अ मदर। मेरे पास उसका नंबर है, आई हैव हर नंबर। उसके पास इसका नंबर है, ही हैज़ हर नंबर। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी। अगर लड़की है तो शी लगा देंगे, शी हैज़ मनी। अगर हम नाम बताएंगे, भाई पप्पू के पास पैसा है, पप्पू हैज़ मनी। गप्पू के पास पैसा है, गप्पू हैज़ मनी। सभी सेंटेंसेस को मेरे साथ आपको रिपीट करना है, बोलना है, यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी, ओके। तो दीपक सर के पास क्यूट स्माइल है, दीपक सर हैज़ अ क्यूट स्माइल। दीपक सर के अंदर दिमाग है, दीपक सर हैज़ ब्रेन। अब इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं आई, वी, यू, दे, सभी, राइट। सबके साथ हैव लगाना है, बस कोई भी एक इंसान थर्ड पर्सन उसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हैज़। मैंने कहा कि हमारे अंदर मैनर्स हैं, सो वी हैव मैनर्स। उनके अंदर मैनर्स हैं, दे हैव मैनर्स। इसके अंदर एक जना है तो इसके अंदर मैनर्स हैं, ही हैज़ मैनर्स। हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, वी हैव सम बैड हैबिट्स। उसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, लड़की है तो शी हैज़ सम बैड हैबिट्स। इसके अंदर बैड हैबिट्स हैं, इस लड़के के अंदर, ही हैज़ सम बैड हैबिट्स। इसका एक चार्जर है, अब नॉन लिविंग थिंग हो गया तो इट हैज़ अ चार्जर। इसकी एक चाबी है, इट हैज़ अ की। इसका एक स्विच भी है, इट हैज़ अ स्विच। इस फ़ोन का एक कवर है, इट हैज़ अ कवर। दिलजीत के पास लैम्बोर्गिनी है, दिलजीत हैज़ लैम्बोर्गिनी। हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, वी हैव लैम्बोर्गिनी। उसके पास है, ही हैज़ लैम्बोर्गिनी, राइट। तो ऐसे हम बताएंगे थर्ड पर्सन के साथ, वी के साथ, हैव के साथ, कोई चीज़ है तो हम कैसे बताते हैं, उसे बुखार है कैसे बोलेंगे, यानी उसके पास माना जाता है, ऐसे बोलेंगे ना। तो कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, मैंने बताया था कि उसके साथ भी हम हैज़ अ से ही बोलेंगे। उसको बुखार है तो ही हैज़ अ फीवर। उसको कब्जी है, ही हैज़ अ कॉन्स्टिपेशन। इसको ठंड लगी हुई है, शी हैज़ अ कोल्ड। और अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ नहीं है, अब तक हमने बोला कोई चीज़ है, मेरे पास है आई हैव, उसके पास है ही हैज़। लेकिन अगर हम मना करेंगे मेरे पास नहीं है और उसके पास नहीं है, तो इसके साथ हमें लगाना होता है आई डू नॉट हैव। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, आई डू नॉट हैव।
आई वी यू दे, इनके साथ बोलेंगे हम डू नॉट, और डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, तो बन जाएगा आई डोंट हैव, साथ साथ बोलो आई डोंट हैव, हमारे पास नहीं है वी डोंट हैव, उनके पास नहीं है दे डोंट हैव, तुम्हारे पास नहीं है भाई यू डोंट हैव, तो ऐसे हमें डोंट हैव बोलना है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की तो हम बोलते हैं डज नॉट हैव, यानी कोई भी एक जना तीसरा इंसान, ही डज नॉट हैव, आई डोंट हैव, ही डज नॉट हैव, वी डोंट हैव, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, और डज नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे डजंट, क्या बोलते हैं डजंट, यानी मैंने बोला उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव अ कार, मेरे पास नहीं है, साथ साथ बोलो आई डोंट हैव अ कार। तो साथ साथ अभी आपको सभी सेंटेंसेस को रिपीट करना है मेरे साथ साथ, कहाँ पर डू नॉट आएगा और कहाँ पर डज नॉट आएगा, और शॉर्ट में बोलना है डोंट एंड डजंट। मेरे पास कार नहीं है आई डोंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है ही डजंट हैव अ कार, उसके पास पेन नहीं है ही डजंट हैव अ पेन, उसे कब्जी नहीं है शी डजंट हैव अ कॉन्स्टिपेशन, हमें भाई बुखार नहीं है वी डोंट हैव अ फीवर, हमें सर में दर्द नहीं है वी डोंट हैव अ हेडेक, उसे सर में दर्द है ही हैज़ अ हेडेक, मुझे सर में दर्द है आई हैव अ हेडेक, मेरे पास उसका नंबर है आई हैव हर नंबर, मेरे पास उसका नंबर नहीं है आई डोंट हैव हर नंबर, उसके पास भी इसका नंबर नहीं है ही डजंट हैव हर नंबर, उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है शी डजंट हैव मैनर्स, इस लड़के को भी तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी ही डजंट हैव मैनर्स, हमें तो भाई तमीज़ है वी हैव मैनर्स, तुम्हें तमीज़ नहीं है लेकिन बिल्कुल भी यू डोंट हैव मैनर्स, ना लाइक करते ना शेयर करते ना सब्सक्राइब करते, इतनी बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ डू इट, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है यू डोंट हैव मैनर्स, उसे तमीज़ नहीं है ही डजंट हैव मैनर्स, उसका एग्ज़ाम है ही हैज़ एन एग्ज़ाम, हमारा एग्ज़ाम नहीं है वी डोंट हैव एन एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम नहीं है आई डोंट हैव एन एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है यू डोंट हैव एन एग्ज़ाम, लेकिन इस लड़की का है शी हैज़ एन एग्ज़ाम, इस लड़की का एग्ज़ाम नहीं है ही डजंट हैव एन एग्ज़ाम, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है भैया वी डोंट हैव एनी नेबर, उनका पड़ोसी नहीं है दे डोंट हैव एनी नेबर, इनका पड़ोसी तो है दे हैव अ नेबर, इस लड़की का कोई पड़ोसी नहीं है शी डजंट हैव एनी नेबर, लेकिन तुम्हारा तो पड़ोसी है ना बट यू हैव अ नेबर। सो ऐसे ही आपको डू नॉट हैव डज नॉट हैव इनकी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखिए अच्छे से सारे सेंटेंसेस मेरे साथ रिपीट करिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगी है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।